अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ कामरान खान और आप देख रहे हैं शो न्यूज़। आपको बताते चलें कि इस वक्त मुल्क में जो पेट्रोलियम का बहरान है, इसके पीछे मियां नवाज शरीफ की चंद ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से इनकी गवर्नमेंट गई, जिनकी वजह से इमरान खान जो है इक्तदार में आए और जिनकी वजह से आज पाकिस्तान भर में हुकूमत होने के बावजूद भी हुकूमत मौजूद नहीं है। हुकूमत जो है नए बड़े फैसले लेने से घबरा रही है और जहाँ तक महसूस होता है कि आसिफ ज़रदारी जो है वही रूह रवा रहे हैं गवर्नमेंट के चेंज में, और अगर ये सब मामलात मियां नवाज शरीफ तक होते तो शायद फैसले ना हो पाते, नई हुकूमत भी ना बन पाती और ये एक दफ़ा फिर जिस तरह 2014 में जो है धरने हुए तहरीक इंसाफ की जानिब से, इन्होंने इस्लामाबाद में धरने किए, उस वक्त भी गवर्नमेंट ने जो है गलत पॉलिसीज़ अपनाई, चाइना के सदर का दौरा जो है वो कम्प्रोमाइज़ किया इस तमाम धरने के पीछे, और अब जो ये दी जा रही हैं कि गवर्नमेंट जो है उसको चलने नहीं दिया जाएगा, ऐलान किया जाए इलेक्शंस का। जब किसी शख्स में कोई ताकत नहीं होती, कोई विजन नहीं होता, उसके खिलाफ तमाम तर फोर्सेस जो हैं वो इसी तरीके से काम करती हैं जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काम कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया जो है वो बहुत ज़ोर पकड़ चुका है, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका की जो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट है जो ईरान में भी कामयाब है और अफगानिस्तान में भी कामयाब है और पाकिस्तान में भी उसको जो है आजमाया जा रहा है, और कोई पता नहीं कि ये कामयाब हो जाए। लेकिन द क्वेश्चन इज़ के पाकिस्तान तरीके से इतनी कामयाब हुकूमत नहीं थी जिस वजह से ये सारा रास्ता बना। फ़ौज के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद ये लोग को बहुत अच्छी डिलीवरेंस नहीं दे सके क्योंकि इनके पास प्लान नहीं था। लेकिन जो लोग कहते थे कि इनके पास प्लान है वो भी आज 2 महीने के बाद फारिग होकर बैठे हुए हैं और कोई किसी किस्म का प्लान गोल लायमन नहीं दे पा रहे हैं। और आज तमाम तर माहरीन माशियात जो हैं, इकोनॉमिक एडवाइज़र्स जो हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स जो हैं, वो यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है नाकाम हो जाएगी अगर पेट्रोलियम की कीमतें वक्त पर नहीं बढ़ाएगी। ये वही बात है कि जिस तरह पीटीआई ने 2019 में जल्द फैसला नहीं किया था आईएमएफ के पास जाने का, और जिसका आज तक हम सब ज़्यादा भुगत रहे हैं, और यही बात आज नून लीग पर भी लागू होती है कि अगर आपने फैसला किया है गवर्नमेंट में आकर तो आपको मजबूत तरीके से उस पर कायम भी रहना होगा और अपने आप को साबित भी करना होगा, अदरवाइज़ आप एक जो है नाकाम हुकूमत पहले भी साबित हुए हैं, आप फिर साबित होंगे।